न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, शिक्षा विभाग के तैयारियों की गई समीक्षा। गगा थाना क्षेत्र के भलुवान के पास ट्रक और बस में भीषण टक्कर, सड़क दुर्घटना में 10 लोग घायल, डीडीओ के प्रोफेसर यशवंत सिंह की दर्दनाक मौत। हड़ताली ऑटो यूनियन के साथ प्रशासन ने की बैठक, मांगों पर बनी सहमति, खत्म हुआ ऑटो हड़ताल। बेलीपार पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, 80 लीटर अवैध स्पिरिट सहित अन्य सामग्री किया बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। महानगर की खूबसूरती में लगा एक और सितारा, स्टेशन प्रबंधक ने रेलवे स्टेशन परिसर में फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों का मंडलायुक्त आईजी सहित अन्य अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण, बैठने और पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दिए निर्देश। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने निकाली कमल संदेश पद यात्रा, केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर जागरूकता लाने के लिए दिया संदेश। रामगढ़ ताल में अवैध तरीके से पकड़ी जा रही है मछली के विरोध में मछुआरों ने कमिश्नर कार्यालय पर दिया धरना, मिला कार्रवाई करने का आश्वासन। 9 वर्ष पर एडीजी आईजी कमिश्नर डीएम एसएसपी सिटी मजिस्ट्रेट एसपी नॉर्थ व एसपी साउथ ने दी शुभकामना, जनपद के समस्त नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना। इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन ने 267 कर्मचारियों को निकालने के विरोध में अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खंड कार्यालय पर दिया धरना। और प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज नाम पुनः रखे जाने की हिंदू चेतना मंच ने जाहिर की खुशी, निकाला विजय जुलूस।